हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। आज हम लोग कुछ वोकैबुलरीज पढ़ने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हमने कुछ वोकैबुलरीज लिया है और उसके हिंदी भी लिया है, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम लोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, और आप इसका भी इस्तेमाल करेंगे और इससे आपका इंग्लिश होगा और बहुत ही बेहतर होगा, इम्प्रूव भी होगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि सारी की सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप में से कोई मेरा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो ये वाले नंबर पर मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करें, बाकी सारी डिटेल्स आपको वहां पर बता दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो क्लास होगा वो वोकैबुलरीज पर है। वीडियो के एंड तक आपको जरूर बने रहना है। तो WAKWARD इसको बोलेंगे ऑकवर्ड। क्या बोलेंगे? awkward का मतलब होता है अटपटा। क्या होता है awkward का मतलब? इसको पहले हम लोग सही से बोलिए, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे awkward। क्या बोलेंगे? awkward। इसका मीनिंग क्या होगा? अटपटा। अटपटा मतलब जो चीज आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल बेकार है ना, आपको लगता अटपटा है, बिल्कुल अटपटा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं awkward। क्या बोलते हैं? awkward बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए मॉल स्टेशन। इसको बोलेंगे मॉल स्टेशन। क्या बोलेंगे? मॉल स्टेशन। MOLE मॉल STATION। मॉल स्टेशन का मतलब होता है छेड़खानी। क्या होता है? मॉल स्टेशन का मतलब छेड़खानी। छेड़खानी क्या होता है? मॉल स्टेशन छेड़खानी का, मॉल स्टेशन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो खासतौर से जिस्मानी उत्पीड़न के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉल स्टेशन। जैसे कि जिस्म से रिलेटेड जो छेड़खानी होती है उसको इंग्लिश हम लोग कहते हैं मॉल स्टेशन कहते हैं। इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, न्यूज़पेपर में अक्सर इसका इस्तेमाल होते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं या इस तरह के जो भी वर्ड्स आते हैं तो मॉल स्टेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने सुना भी होगा, और नहीं सुना है तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करना आपको। इसको बोलेंगे मॉल स्टेशन। मॉल स्टेशन का मतलब हो जाएगा छेड़खानी। कैसा छेड़खानी? जिस्मानी छेड़खानी को मॉल स्टेशन कहते हैं, याद रहना चाहिए आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि MAVERICK। इसको बोलेंगे मैवरिक। MAVERICK इसको बोलेंगे मैवरिक। मैवरिक का मतलब हो जाएगा आवारा। क्या हो जाएगा? मैवरिक का मतलब आवारा। आवारा मतलब होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो आवारा है, आवारा से मतलब है कि वो किसी बात को नहीं मानता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे अपरंपरा या अपरंपरारिक कह सकते हैं हम लोग इसको, और या हम लोग कह सकते हैं कि मतलब जो खुले विचार को, जिसका मतलब जो छोटे मतलब जो मतलब जो परंपराओं को नहीं मानता है, जो मतलब जो समाज को नहीं मानता है, या मतलब वो स्वतंत्र स्वतंत्र विचार के जो व्यक्ति होते हैं, स्वतंत्र मतलब खुले विचार के जो लोग होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या कहेंगे इसको? मैवरिक। क्या बोलेंगे इसको? मैवरिक मतलब हो जाएगा आवारा। ये याद रहेगा ना आपको, मैवरिक, आवारा, मोलेस्टेशन, छेड़खानी, ऑकवर्ड, अटपटा, ये तीन वर्ड अब तक आपको याद हो गए। चलिए गुड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि लिखा हुआ IMPOSTER इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर बोलिए इम्पोस्टर। पोस्टर, पोस्टर समझ रहे हैं ना आप? आई एम को हटा दीजिए, आप POSTER पोस्टर, ये यहाँ तक तो आपको समझ आएगा पोस्टर है ना। तो इम्पोस्टर में अगर हमने IM प्लस कर दिया तो ये हो गया इम्पोस्टर। क्या हो गया? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है धोखेबाज। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? धोखेबाज होता है। तो जो व्यक्ति धोखेबाज है, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? चीटर। क्या कहते हैं? चीटर कहते हैं। आप एक अच्छा वर्ड सीखिए, नया वर्ड सीखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पोस्टर। क्या बोलेंगे? इम्पोस्टर मतलब हो जाएगा धोखेबाज। आप चीटर की जगह पर इसको ये वाला वर्ड का इस्तेमाल करें जो अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है ना। तो ये चौथा वर्ड हमारा क्लियर हो गया इम्पोस्टर। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या हुआ है कि लिखा हुआ है कि NEGLI negligent। इसको बोलेंगे negligent। क्या बोलेंगे? negligent। NEGLI negligent। क्या बोलेंगे? negligent। negligent का मतलब हो जाएगा लापरवाह। क्या बोलेंगे negligent का मतलब? लापरवाह। लापरवाह समझते हैं कि जो केयरलेस, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती, जिसको कोई अपना जिम्मेदारी नहीं समझ में आता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है बिल्कुल लापरवाह है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को आप लोग क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंट। क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंट बोलेंगे, लापरवाह है ना, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बिंदास रहता है। सो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को, ऐसे तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंट, लापरवाह। यहां तक क्लियर हो गया आपका? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है STUBBORN। इसको बोलेंगे स्टबन। क्या बोलेंगे? स्टबन। आर को लाइट कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। अब स्टबन, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है? स्टबन का मतलब जिद्दी होता है, या हम लोग कह सकते हैं अड़ियल।
ठीक है, क्या कह सकते हैं, जो किसी बात को ठान लेता नहीं मुझे करना ही है, चाहे वो जिद्दी अच्छे बात के जिद अच्छे बात के लिए हो या बुरे बात के लिए हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टबन बोलेंगे। बच्चे होते हैं अक्सर जिद करते हैं कि नहीं मुझे तो आइसक्रीम चाहिए, मुझे तो टॉफी चाहिए, मुझे तो फला ये खिलौने चाहिए, तो स्टबन ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, स्टबन कहते हैं। गर्ल्स होती है अक्सर वो कपड़ों के लिए जिद करती हैं, तो स्टबन है वो, क्या है स्टबन है, तो स्टबन का मतलब हो गया जिद्दी, क्या हो गया जिद्दी, जो अपने बात पर अड़ा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फाइनली अड़ियल भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है RETICENT, इसको बोलेंगे रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट का मतलब होता है शर्मीला, क्या होता है रेटिसेंट का मतलब होता है शर्मीला, यानी जो बहुत शर्माता हो, छोटी छोटी बातों के लिए शर्माता हो, या बहुत खामोश भी कह सकते हैं ना, शांत मिजाज का हो, रेटिसेंट हम लोग कह सकते हैं जो बिल्कुल बोलता कम हो, या नॉर्मली इसके लिए एक वर्ड आपने सुना होगा शाय, ना शाय का मतलब ही होता है शर्मीला, जो व्यक्ति बहुत शर्माता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग शाय भी कहते हैं, या आप लोग कह सकते हैं नया वर्ड सीखिए जिसको बोलेंगे रेटिसेंट, क्या बोलेंगे रेटिसेंट शर्मीला, समझ में आया, ओके ठीक है। आगे देखते नेक्स्ट वर्ड हमारा है AMATEUR, इसको बोलेंगे amateur, क्या बोलेंगे TEUR, यहाँ पर इसका साउंड आएगा चम आएगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे amateur, amateur का मतलब होता है शौकीन, शौकीन यानी जो किसी बात का शौक रखता हो, जो भी आपको गाना सुनने का शौक है, या मूवीज़ देखने का शौक है, घूमने का शौक है, तो आप अमेचर हो सकते हैं, या आपका दोस्त अमेचर हो सकता है, यानी कोई भी आपका अमेचर हो सकता है, शौकीन यानी जिस बात का भी शौक रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे अमेचर, क्या बोलेंगे अमेचर बोलेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्या लिखा हुआ, SLACKER, इसको बोलेंगे स्लेकर, SLACKER, स्लेकर का मतलब होता है काम चोर, क्या होता है, या हम लोग कह सकते हैं आलसी, स्लेकर का मतलब क्या होगा, कामचोर, आलसी, तो बहुत ही यूजफुल वर्ड है, इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं, जो व्यक्ति कामचोर कर मतलब जो व्यक्ति सही से काम नहीं करता, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई सही से नहीं करते हैं, या अपना जो भी उनको वर्क दिया जाता है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बंदों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे स्लेकर बोलेंगे, यानी कामचोर बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया सारी वर्ड्स आपका, यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आया, कहीं प्रोनंसिएशन में कोई दिक्कत है या कोई मीनिंग वगैरह में दिक्कत, क्या बोलेंगे इनसिपिड, बोलिए INSIPID, क्या बोलेंगे इसको इनसिपिड, क्या बोलेंगे इनसिपिड, इनसिपिड का मतलब होगा फीका, इनसिपिड का मतलब क्या होता है फीका, अब फीका क्या होता है कि जैसे कि कोई खाना है, अक्सर तो खाना ही फीका होता है, तो खाना मतलब बिल्कुल स्वाद नहीं है, बिल्कुल नमक नहीं है, तो हम लोग क्या बोल इनसिपिड, क्या बोलेंगे इनसिपिड फूड है, इनसिपिड फूड यानी फीका, फीका खाना, फीका इनसिपिड फूड, फीका खाना, ठीक है ना, तो इनसिपिड का मतलब हो जाएगा फीका, क्या हो जाएगा इनसिपिड का मतलब फीका, याद रहेगा ना आपको, जो अगर कोई चीज़ आपको या कोई आपने कोई खाना खा रहे हैं, या आपने कोई सब्जी वगैरह लिया है उसमें बिल्कुल नमक नहीं है, तो वो क्या होगा इनसिपिड होगा, क्या होगा स्वादहीन, मतलब उसमें बिल्कुल स्वाद नहीं है, इनसिपिड है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिलेशियस, DELICIOUS, ये तो खैर आपको पता होगा, पहले से भी हो सकता है, पता हो सकता है होगा, तो लिखा हुआ डिलेशियस, क्या लिखा हुआ डिलेशियस, डिलेशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, क्या होता है स्वादिष्ट, क्या होता है मज़ेदार, यानी जो खाना बहुत, देखिए एक अपोजिट वर्ड हो गया इनसिपिड का डिलेशियस, डिलेशियस मतलब बहुत मज़ेदार, जैसे बहुत मज़ा अच्छा बना हो खाना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिलेशियस बोलते हैं, और इसका अपोजिट जो होगा बिल्कुल फीका है, बिल्कुल मज़ा नहीं है, तो ऐसे वर्ड ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे खाने को या ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे इनसिपिड बोलेंगे। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि सौर, क्या लिखा हुआ है SOUR, सौर का मतलब होता है खट्टा, क्या होता है सौर का मतलब क्या होता है खट्टा होता है, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं खट्टा होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं सौर, क्या बोलते हैं खट्टी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं सौर बोल सकते हैं, अब जो भी चीज़ें आपके लिए खट्टा है, अचार बहुत खट्टा है, तो सौर होता है, मतलब अचार क्या, अचार को इंग्लिश में लोग कहते हैं पिकल कहते हैं, ठीक है ना, तो सौर का मतलब हो जाएगा खट्टा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है BITTER, बिटर, क्या लिखा हुआ BITTER, बिटर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बिटर, बिटर, BITTER, बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा, क्या है कड़वा, कड़वा आपके हिसाब से जो भी चीज़ें बहुत कड़वा है, दवाई अक्सर क्या होती है जैसे हम लोग दवाइयाँ खाते हैं तो क्या होता है ज़्यादातर बिटर होता है ना, लोग बहुत बिटर दवाई, दवाई बहुत कड़वी है, टैबलेट बहुत कड़वी है, या आपने कोई जो भी मेडिसिन अक्सर क्या होते हैं बिटर होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं बिटर को मतलब कड़वा, ठीक है ना, ये याद रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा यमी,
वाई यू डबल एम वाई, इसका इस्तेमाल तो खैर आपको पहले से भी पता होगा। अब देखिए ये इनका अपोजिट हो गया, ठीक है ना। तो बिटर का यमी, बिटर मतलब कड़वा, यमी मतलब होता है मज़ेदार, ठीक है ना। तो यमी मतलब होगा मज़ेदार खाना, बहुत मज़ेदार है, तो यमी बोलते, क्या बोलते हैं, यमी फूड, या यमी, यमी का मतलब होगा मज़ेदार। वेल आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हम बढ़ते हैं, लिखा हुआ एस डब्ल्यू डबल ई टी, यहाँ तक तो खैर समझ आया, एस डब्ल्यू डबल ई टी लिखा हुआ है स्वीट, एच ई ए आर टी हार्ट, क्या लिखा हुआ है, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट का मतलब होगा माशुका, स्वीट हार्ट का मतलब क्या होता है, माशुका कह सकते हैं, और भी नॉर्मली इसका मीनिंग हम लोग कहते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो स्वीट हार्ट है ना, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, स्वीट हार्ट हम लोग कहते हैं माशुका। वेल ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा आई एन एफ ए टी यू ए टी आई ओ एन, इसको बोलेंगे इनफैचुएशन, क्या बोलेंगे, इनफैचुएशन, तो इसको बोलेंगे हम लोग इनफैचुएशन, क्या बोलेंगे, इनफैचुएशन। यहाँ पर टी यू का साउंड जो होता है वो चा में गया है, और चा में ही होता है टी यू का साउंड, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन का मतलब होता है दीवानगी, क्या होता है, दीवानगी होती है, अक्सर ये प्यार के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, तो इन्फैचुएशन है ना, एक तरह का प्यार होता है, मतलब एक प्यार अलग होता है कि इन्फैचुएशन अलग होता है, तो वो एक इस तरह के प्यार को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फैचुएशन कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा है एफ एल आई आर टी लिखा हुआ है फ्लट, एफ एल आई आर टी, फ्लट का मतलब होता है इश्क बाजी करना, फ्लट करना, आपने सुना होगा ना, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, उनके साथ फ्लट मत करो, वो तो फ्लट कर रहा है लाइक दैट, तो फ्लट का मतलब होता है इश्कबाजी करना, ठीक है ना, फ्लट करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्लट का मीनिंग ही होता है इश्कबाजी करना, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है ना। आगे देखते नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिलव्ड, बी ई एल ओ वी ई डी, बिलव्ड, क्या लिखा हुआ है, बिलव्ड का मतलब होता है महबूबा, यानी जो आप, जिसको आप प्यार करते हैं, जो आपके लिए बहुत प्यारा हो, और तो आपके लिए क्या होगा, महबूब, महबूबा कह सकते हैं, ब्लॉफ्ट, माई ब्लॉफ्ट, मेरा महबूब या मेरा महबूबा, ब्लॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो महबूबा भी कह सकते हैं और ब्लॉफ्ट महबूब भी कह सकते हैं, दोनों के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा अफेक्शन, ए डबल एफ ई सी टी आई यू एन, अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, अफेक्शन का मतलब क्या होता है, लगाव, जिसको हम लोग कहते हैं स्नेह, क्या कहते हैं, स्नेह भी कहते हैं, या एक तरह का ये प्यार होता है, ठीक है, ममता भी कह सकते हैं इसको, अफेक्शन मतलब हो जाएगा लगाव, प्यार, स्नेह, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट वर्ड हमारा लव सिक, एल ओ वी, लव एस आई सी के लिसिक, तो लव सिक का मतलब होता है प्यार में होना, क्या होता है, लव सिक का मतलब प्यार में होना, प्यार में होना, आप किसी के प्यार में, तो यू आर लव सिक, ठीक है, तो प्यार में होना मतलब क्या हो जाएगा, लव सिक। तो आया समझ में, ये कुछ वर्ड्स हैं, आई थिंक कि बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिला होगा, और बहुत यूजफुल वर्ड्स भी हैं सारे के सारे। तो वेल ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी मज़ेदार वीडियोस के लिए, और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए, आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल से ज़रूर बने रहना है, वीडियो को आगे बढ़ाना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना काफ़ी, अल्लाह हाफिज़। आपको कुछ सेकंड दिया जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर